हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस व्हील्स। दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए ऑल न्यू इको स्पोर्ट BS6 वेरिएंट, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कार की हर एक डिटेल ऑन रोड प्राइसेस के साथ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आज मैं हूँ फोर्ड के शोरूम पे और मैं हूँ अभी AVS फोर्ड हरिद्वार में। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं फोर्ड की किसी भी कार को परचेज करना या करना चाहते हैं कार की टेस्ट ड्राइव, तो आप डीलरशिप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं डीलरशिप के अंदर और करते हैं अपनी कार को एक्सप्लोर। सो गाइस, ये आप देख रहे हैं फोर्ड इको स्पोर्ट का टाइटेनियम S वेरिएंट, और ये कार अभी अवेलेबल है BS6 पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स में। और अब देखते हैं क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है ये फोर्ड की ऑल न्यू इको स्पोर्ट। तो आपको मिलते हैं कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स ABS विद EBD के साथ, साथ ही मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स। सो गाइस, अब बात करते हैं कार में मिलने वाले स्मार्ट फीचर्स की। तो आपको मिलता है कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 8 इंचेस की टच स्क्रीन और HID हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स, जो कि इस कार को अपने सेगमेंट में नंबर वन बना देते हैं, और कार की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कार के ऑन रोड प्राइजेस से और देखते हैं क्या कुछ ऑन रोड प्राइजेस हैं कार के। तो फोर्ड इको स्पोर्ट की पेट्रोल की रेंज स्टार्ट होती है 9.29 लाख से, जाती है 13.28 लाख तक। वहीं डीजल की रेंज स्टार्ट होती है 9.89 लाख से, जाती है 13.50 लाख तक। और अभी आप वीडियो में देख रहे हैं टाइटेनियम S डीजल वेरिएंट, जिसका ऑन रोड प्राइस है 13.50 लाख। और कार के एक्यूरेट ऑन रोड प्राइसेस के लिए आप एक बार डीलरशिप से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें। डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं कार के रिव्यू को और करते हैं कार का डिटेल वॉक अराउंड। सो गाइस, मेरे हाथ में अभी कार की की आपको मिलती है कार में स्मार्ट की, और आप जैसे ही कार को अनलॉक करते हैं कार के ORVMs और कार की DRLs ऑन हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं कार की स्मार्ट की, काफ़ी स्लीक सी की मिलती है आपको कार में। और गाइस, चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कार के फ्रंट को। सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, HID हेडलैम्प्स आते हैं, साथ ही में मिलते हैं आपको LED DRLs और स्मोक फिनिश में काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं कार के हेडलैम्प्स। और बात करते हैं यहाँ पे फॉग लैम्प्स की, तो आपको मिलते हैं कार में फॉग लैम्प्स, जो कि कार की नाइट की विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये देख रहे हैं आप कार का फ्रंट, कार का डिज़ाइन आपको टोटली स्पोर्टी डिज़ाइन पे मिलता है। और ये आप देख रहे हैं स्मोक फिनिश में कार की फ्रंट ग्रिल, जो कि कार के लुक को काफ़ी बोल्ड लुक देती है। और ये आप देख रहे हैं कार का फ्रंट लुक। और दोस्तों, फोर्ड अपनी इको स्पोर्ट पे प्रोवाइड करता है 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, जो कि कार के बायर्स के लिए काफ़ी रिलायबल रहता है कार को मेंटेन करने में। सो गाइस, आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये फोर्ड की ऑल न्यू इको स्पोर्ट। और अब बात करते हैं कार की डायमेंशंस की, तो कार की लेंथ मिलती है 3998 mm, कार की हाइट मिलती है 1647 mm और कार की विड्थ मिलती है 1765 mm। ये डायमेंशंस है कार की। और अब बात करते हैं कार में मिलने वाले टायर साइज़ की, तो आपको मिलता है कार में 205/60 R16 का टायर साइज़, साथ ही में मिलते हैं आपको ये स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, जो कि कार के लुक को एनहेंस करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कार की साइड प्रोफाइल। बात करते हैं कार में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको मिलता है कार में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से सफिशिएंट है। और साथ ही में मिलती है आपको साइड क्लैडिंग, जो कि कार की अंडर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और अब बात करते हैं कार के ORVMs की, तो आपको मिलता है कार में ऑटो फोल्डिंग एंड ऑटो एडजस्टमेंट का फीचर ORVMs पे। और जैसे ही आप कार को अनलॉक करते हैं कार के ORVMs ओपन हो जाते हैं, साथ ही में मिलता है आपको टर्न इंडिकेटर एंड पेडल लैंप का फीचर। और दोस्तों, आपको मिलती है कार में एक्टिव एंड पैसिव कीलेस एंट्री। अगर आपके पास है कार की और आप कार के डोर हैंडल को ग्रैब करते हैं, तो कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स की, तो ये आप देख रहे हैं कार के स्पोर्टी इंटीरियर्स, फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, साथ ही में ऑरेंज एसेंट्स काफ़ी अपीलिंग लगते हैं कार के इंटीरियर में, क्योंकि ये स्पोर्ट्स वेरियंट है तो आपको स्पोर्ट्स इंटीरियर्स मिलते हैं, साथ ही में ये ऑरेंज इंसर्ट काफ़ी अपीलिंग लगते हैं। और ये आप देख रहे हैं कार का ड्राइवर साइड का डोर पैनल, यहाँ पे मिलता है आपको लॉक अनलॉक का स्विच। और दोस्तों, अब बात करते हैं कार के सीट कंफर्ट की, तो आपको मिलती है कार में लेदर सीट्स का ऑप्शन टाइटेनियम S वेरिएंट में, साथ ही में सीट्स पे भी मिलते हैं आपको ऑरेंज इंसर्ट्स, जो कि कार के इंटीरियर के लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। और अब बात करते हैं कार के सीट एडजस्टमेंट्स की, तो आपको कार में सारे ही सीट एडजस्टमेंट्स मैनुअल मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं कार के सीट एडजस्टमेंट्स, और आप देख सकते हैं कार के कैबिन में कितना अच्छा स्पेस मिलता है। और अब बात करते हैं कार में मिलने वाले स्टेयरिंग व्हील की, तो आपको मिलता है कार में लेदर वाप स्टेयरिंग व्हील, साथ ही में लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको MIDK कंट्रोल्स, राइट साइड में मिलते हैं आपको ऑडियो कंट्रोल्स, और यहाँ पे मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल। और कार के स्टेयरिंग व्हील का जो फील है वो काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छा लगता है कार का स्टेयरिंग व्हील।
चलिए दोस्तों अब चलते हैं कार के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कार के डैशबोर्ड को। सो गाइज ये आप देख रहे हैं कार का डैशबोर्ड, फुल ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है, साथ ही में यहाँ पे भी मिलते हैं आपको ऑरेंज इंसर्ट्स। ये आप देख सकते हैं कार का डैशबोर्ड। सो गाइज कार की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है कार के इंटीरियर्स में। सो गाइज अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स के फीचर्स की, तो आपको मिलता है कार में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइट एलिमिनेशन में, काफ़ी अच्छा लगता है कार के इंटीरियर में। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये आप देख रहे हैं कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको टैचोमीटर, राइट साइड में मिलता है आपको स्पीडोमीटर, और बीच में मिलती है आपको MID स्क्रीन जो कि आपको शो करती है काफ़ी सारी वार्निंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों MID के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको स्टीयरिंग व्हील पे। और अब बात करते हैं इस MID स्क्रीन की, तो ये आपको शो करता है एवरेज फ्यूल कंजप्शन, इंजन रनिंग टाइम, साथ ही में ये शो करता है डिस्टेंस टू MT, और यहाँ पे ये शो करता है डिजिटल स्पीड, साथ ही में ये शो करता है मीडिया की इन्फॉर्मेशन और आपका ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल, और यहाँ पे आती है आपको व्हीकल्स की सेटिंग। सो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है कार में। और बात करते हैं कार के टॉगल्स की, तो राइट साइड का टॉगल मिलता है लाइट के टॉगल, लेफ्ट साइड के टॉगल मिलता है आपको वाइपर के टॉगल। और कार के इंटीरियर की क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉलिड फील आता है कार के इंटीरियर से। और यहाँ पे मिलते हैं आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, और ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन मिलती है कार के इंटीरियर्स पे। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के सेंटर कंसोल की, और चलते हैं कार के टच स्क्रीन की तरफ। सो गाइज ये आप देख रहे हैं कार की टच स्क्रीन, 8 इंचज़ की टच स्क्रीन मिलती है आपको टाइटेनियम S वेरियंट में। और बात करते हैं टच स्क्रीन की, तो ये सपोर्ट करती है USB, ब्लूटूथ, रेडियो और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स। साथ ही में इसमें शो होता है आपको रिवर्स कैमरा की डिस्प्ले और पार्किंग सेंसर्स की गाइडलाइंस। और कार के टच स्क्रीन का जो फील है वो काफ़ी अच्छा है आपको, काफ़ी सेंसिटिव टच स्क्रीन मिलती है और देखने में भी काफ़ी स्लीक लगती है। और टच स्क्रीन के नीचे ही मिलते हैं आपको MID के कंट्रोल्स, या आप नीचे देख सकते हैं टच स्क्रीन के कंट्रोल्स। सो कार में टच स्क्रीन तो काफ़ी अपडेट मिलती है। और अब बात करते हैं कार के सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, साथ ही में आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, और ये आप देख रहे हैं कार का गियर लीवर। बात करते हैं कार के सेंटर कंसोल के स्टोरेज की, तो आपको मिलता है कार में कप होल्डर्स, साथ ही में यहाँ मिलता है आपको मिडल में सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, और सेंटर आर्मरेस्ट की स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी डीप है। सो गाइस 4D EcoSport का कैबिन काफ़ी प्रैक्टिकल एंड एडवांस फीचर्स के साथ आता है, साथ ही में मिलते हैं आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस, और ये आप देख रहे हैं स्टोरेज स्पेस डैशबोर्ड पे। साथ ही में फ्रंट के डोर्स पे भी मिलता है आपको 1 लीटर बोतल होल्डर की स्टोरेज। और बात करते हैं कार के ग्लव बॉक्स की, तो ये आप देख रहे हैं कार का ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज में मिलता है कार का ग्लव बॉक्स, साथ ही में मिलती है आपको लाइट का फीचर। सो ओवरऑल कार का प्रैक्टिकल कैबिन आपको मिलता है, और मुझे पर्सनली कार की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर। और अब बात करते हैं कार के कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे मिलता है आपको क्वार्टर ग्लास जो कि कार की विजिबिलिटी को काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। दोनों ही साइड में मिलता है आपको क्वार्टर ग्लासेस, और यहाँ सेंटर में मिलता है आपको स्पीकर्स, टोटल 6 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको कार में। और यहाँ पर मिलता है आपको ऑटोमेटिक डे एंड नाइट IR VM, और यहाँ पर मिलता है आपको सनग्लास होल्डर सनग्लासेस रखने के लिए, ये आप देख सकते हैं कार का सनग्लास होल्डर। और साथ ही में इस सनग्लास होल्डर के साथ मिलते हैं आपको कैबिन लैंप्स, ये आप देख सकते हैं कार के कैबिन लैंप हैलोजन कैबिन लैंप्स आते हैं। और अब बात करते हैं कार के सनरूफ की, तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं कार का सनरूफ, और ये आप देख रहे हैं कार का सनरूफ इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, और आपको डिसेंट साइज में मिलता है कार का सनरूफ। सो गाइस कार की क्वालिटी और कार के फीचर्स तो आपको अप टू डेट मिलते हैं। और बात करते हैं कार के सनशील्ड की, तो लेफ्ट साइड के सनशील्ड पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर, साथ ही में मिलती है आपको लाइट जो कि एक कन्वीनियंट फीचर है, और ये आप देख सकते हैं लाइट। सो गाइज आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये फोर्ड की ऑल न्यू EcoSport। और दोस्तों कार से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपडेट रहता हूँ और सारे ही पोस्ट सबसे पहले वहीं पे शेयर करते हैं हम लोग। सो गाइस चलिए अब चलते हैं कार के रियर सीट की तरफ और देखते हैं रियर सीट्स पे क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है फोर्ड की ये न्यू EcoSport। सो गाइस ये आप देख रहे हैं कार का रियर कैबिन, और फ्रंट डोर की तरह रियर डोर भी आपको ऑल ब्लैक फिनिश में मिलता है, साथ ही में मिलती है आपको ऑरेंज इंसर्ट्स, ये आप देख सकते हैं कार के डोर पैनल पे ऑरेंज इंसर्ट। और ये आप देख सकते हैं कार की रियर सीट्स के स्पेस,
और दोस्तों बात करते हैं कार के रियर सीट के कंफर्ट की, तो आपको रियर में भी लेदर सीट्स देखने को मिलती हैं, साथ ही में रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलते हैं आपको रियर सीट बेल्ट, और कंफर्ट के लिए मिलते हैं आपको सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ, और यह आप देख रहे हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और यहाँ पर मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ। सो ओवरऑल कार के रियर सीट्स के पैसेंजर्स के लिए भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही सेफ्टी एंड कंफर्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं कार के रियर कैबिन में, और ये आप देख रहे हैं कार का डैशबोर्ड रियर कैबिन से। काफ़ी एयरी फील होता है कार के इंटीरियर में, और कार की विंडोज़ का साइज़ भी काफ़ी लार्ज है, और इस सनरूफ की वजह से कार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी एयरी और अच्छा फील करता है, और ये आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर। और दोस्तों चलिए अब चलते हैं कार के बूट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना बूट स्पेस ऑफर करती है ये फोर्ड की न्यू इको स्पोर्ट। तो आपको मिलता है कार में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपनिंग, और ये आप देख रहे हैं कार का बूट स्पेस 352 लीटर्स का मिलता है आपको कार में बूट स्पेस, साथ ही मिलती है आपको रियर पार्सल ट्रे। और दोस्तों कार के रियर टेलगेट की ओपनिंग भी आपको काफ़ी वाइड मिलती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे हैवी लगेज भी आराम से कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कार के रियर सीट के एडजस्टमेंट की, तो आपको मिलती है कार में 40-60 के सीट स्प्लिट्स, जो कि कार की कार्गो वॉल्यूम को और इंक्रीज कर देता है, और ये आप देख रहे हैं कार का बूट स्पेस। सो गाइज कार की क्वालिटी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, और अब बात करते हैं कार की रियर प्रोफाइल की, तो ये आप देख सकते हैं कार की रियर प्रोफाइल, साथ ही में यहाँ पर मिलते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कैमरा के साथ, और रियर में कार में स्पेयर व्हील भी आपको टेलगेट पर ही मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटेनियम एस की ब्रांडिंग, कन्वेंशनल टेल लैंप्स मिलते हैं, टेल लैंप्स में भी आपको स्मोक फिनिश देखने को मिलेगी टाइटेनियम एस वेरिएंट में, और ये आप देख रहे हैं कार का स्पेयर व्हील। बात करते हैं कार के कुछ और फीचर्स की, तो आपको मिलता है कार में रियर डिफोगर रियर वाइपर एंड वॉशर के साथ, साथ ही मिलता है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और ये देख रहे हैं आप कार में स्पोर्टी स्पॉयलर ब्लैक फिनिश में। और दोस्तों टाइटेनियम एस वेरिएंट में मिलती है आपको कार की रूफ पियानो ब्लैक फिनिश में, साथ ही में आपको रियर स्पॉयलर भी पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है, जो कि कार के लुक में काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों ये कार अवेलेबल है 5 वेरिएंट्स एंड 7 कलर्स ऑप्शन में, और ये आप देख रहे हैं डायमंड वाइट कलर। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार में रूफ रेल्स, कार की रूफ रेल्स काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन में मिलती है, जो कि कार को एक सॉलिड फील देती है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपडेट रहता हूँ। सो गाइज डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।